हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके मेरे चैनल क्वेरी सॉल्वर पर। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पार्ट टू एडजेक्टिव में आपका। तो इससे पहले मैं आपका ऑलरेडी आपका एक पार्ट करा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव आपका क्या होता है, और एडजेक्टिव के हमने काइंड्स के बारे में पता किया कि एडजेक्टिव कितने टाइप्स होते हैं, उनमें हम किस किस एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको सब वहाँ पर बताया था। तो उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं दे वॉच किया है तो आप यहाँ से उस लिंक को ओपन करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और स्टूडेंट, आप वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डाउट मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट सेशन में। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको टाइम से टाइम अपडेट आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, बात करेंगे जैसे कि आपका हेडिंग दिया गया है आपका हमारा जो कि करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स। स्टूडेंट, हमने वहाँ पर काइंड्स के बारे में बात किया, तो हमने पता कि इस तरीके से आपके जितने भी काइंड्स थे वहाँ पर उनके बारे में हमने पता किया। लेकिन आपके कुछ एडजेक्टिव आए थे तो उनमें जैसे कि आपका था इज, एवरी, आइदर, नाइदर। हम बात करेंगे इनका हम किस तरीके से यूज़ करेंगे आपके। स्टूडेंट, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के अगर हमें एक साथ इनका यूज़ करना तो हम कैसे यूज़ करते हैं। इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ होता है एवं वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ करते हैं। जहाँ भी स्टूडेंट आपका ईच, एवरी, आइदर और नाइदर अगर आपका एडजेक्टिव्स आते हैं तो इनके साथ आप सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे और सिंगुलर ही आप वर्ब का यूज़ करोगे, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। जैसे यहाँ आपका एग्जांपल दिया गया है आपका इच स्टूडेंट गेट ए प्राइज, तो स्टूडेंट यहाँ बताया कि जो इच था यानी इच स्टूडेंट ने क्या किया, उसको प्राइज यानी उसको इनाम दिया गया। एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड यानी कि प्रत्येक सीट को क्या था स्टूडेंट, उसको अधिकार कर लिया गया था। आइदर बुक इज यूजफुल एंड नाइदर बुक इज यूजफुल, आइदर पॉजिटिव वे में यूज किया था स्टूडेंट और नाइदर आपका नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं, तो आइदर बुक इज़ यूजफुल। तो यहाँ पर देखो, आपने देखा कि यहाँ पे स्टूडेंट है, सीट है आपका, बुक है, यहाँ भी बुक है, तो स्टूडेंट ये सब क्या है आपके, हमने यहाँ पर ये आपके सिंगुलर आपके नाउन है। जब हम बात करें वर्ब की तो आपके यहाँ गेट्स है, आपका वॉज है, इज है और यहाँ भी इज है, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर आपकी वर्ब को ही हमने यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया है। जैसे आपका यहाँ गेट्स है, गेट्स में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था अगर हम किसी भी वर्ब में, वर्ब फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में यानी जो होता है वो आपकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की स्टूडेंट वो प्लूरल फॉर्म में होती है, उसके साथ हम एस या आई एस या ई एस अगर हम ऐड करते हैं तो उसको हम सिंगुलर फॉर्म में बदलते हैं। अगर आपको नाउन को प्लूरल फॉर्म में बदलना हो तो उसके साथ हम आई एस ई एस का यूज़ करके उसको आप प्लूरल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ बताया कि यदि वाक्य में एवरी के बाद कोई भी प्लूरल एडजेक्टिव या नंबर यानी नंबर से रिलेटिव यानी 1, 2, 3 का यूज़ हो तो उसके बाद आने वाला नाउन जो होता है स्टूडेंट वो आपका प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ बताया गया है कि सी टेक्स मेडिसिन एवरी 3 आवर यानी सी टेक्स, यहाँ हमने ये जो आपका जो एडजेक्टिव है यहाँ पर वर्ब फॉर्म यूज़ किया है स्टूडेंट, हमने यहाँ नाउन यूज़ किया है एवरी आपका, और एवरी के बाद हमने कोई भी यहाँ पर नंबर यानी कॉर्डिनल नंबर का यहाँ पर यूज़ किया है, और उसके बाद जो भी नाउन आता है स्टूडेंट वो आपका प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, सी आपका सब्जेक्ट है, टेक्स आपका वर्ब है, मेडिसिन भी आपकी नाउन है, यहाँ पर एवरी जो आपका ये भी आपका एडजेक्टिव यूज़ किया गया, उसके बाद हमने यहाँ नंबर्स को यूज़ किया यानी 1, 2, 3 में से किसी को यूज़ करते हैं जो एक्स्ट्रा चलते हैं ऐसे, उसके बाद आपका नाउन यूज़ किया गया स्टूडेंट आपका यहाँ पर आवर, तो इसलिए ये आवर्स हो गया है, इसके साथ हमने प्लूरल नाउन का यहाँ पर यूज़ किया है। इसी हम बताया गया ही विजिटेड हर हेयर एवरी 2 मंथ, तो स्टूडेंट यहाँ भी हमने नंबर यूज़ किया है, ये आपका एडजेक्टिव है ही, तो उसके बाद हमने यहाँ मंथ नहीं, हमने यहाँ पर मंथ्स यूज़ किया है जो कि आपका प्लूरल फॉर्म में है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, अगर आप इच और एवरी का अगर यूज़ करना हो तो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। ईच और एवरी दोनों का अर्थ एक जैसा ही होता है, इसका यूज़ हम 2 से अधिक के लिए कर सकते हैं, जबकि एवरी का यूज़ स्टूडेंट 2 से अधिक के लिए ही होता है। इसे यहाँ बताया कि इसका जो यूज होता है स्टूडेंट 2 से अधिक के लिए भी होता है, जबकि एवरी का जो यूज़ करते हैं स्टूडेंट वो हमेशा हम 2 से 2 के लिए होता है। इच का यूज हम 2 से अधिक के लिए करते हैं और एवरी का यूज हम 2 से अधिक के लिए केवल कर सकते हैं।
यहाँ बताया गया कि ईच ऑफ द टू गर्ल्स गेट्स ए प्राइज, यानी उनमें से जो लड़कियाँ थी दो, उनको स्टूडेंट्स प्राइज़ दिया गया, और ईच ऑफ 10 स्टूडेंट गेट्स ए प्राइज, उन उस सब छात्रों में से जो 10 छात्र, उनको स्टूडेंट यहाँ पर आपने प्राइज़ दिया है। तो इस तरीके नेक्स्ट रूल स्टूडेंट आपका आइदर और बोथ। जब हम बात करेंगे आइदर और, अगर हमें बोथ का यूज़ करना हो तो किस तरीके से करेंगे। आइदर का मीन्स होता है स्टूडेंट दोनों में से एक या दोनों, जबकि बोथ का यूज़ करते हैं हम दोनों के लिए। जैसे आइदर का अर्थ बताया गया है या तो उस स्थिति में होता है जब एक भाग दूसरे भाग का ही आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे आइदर साइड ऑफ द रोड आइदर हैंड, यानी कि ये जो रोड है इसकी जो साइड है वो किसी दूसरे अदर हैंड, यानी कि किसी दूसरे हैंड में। तो यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट बताया जा रहा है किसका, रोड के बारे में बताया जा रहा है कि इसका हैंड किसी अदर हैंड में। तो यहाँ हमने इस तरीके से आइदर का यूज़ किया। लेकिन बोथ का यूज़ तब करते हैं जब स्टूडेंट इससे इस प्रकार के आपके दो भाग नहीं होते। जैसे यहाँ बताया गया कि इज आइदर सन वेंट टू अमेरिका, तो यहाँ है सही स्टूडेंट ये आपके, लेकिन यहाँ बोला है इसने हिज सन्स वेंट टू अमेरिका। तो यहाँ जो ये जो आप इसके बेटे हैं, यानी हिज यानी उसके जो बेटे हैं वो क्या है आपके प्लुरल नाउन यूज़ किया गया, तो इसलिए ये आपका सही है दोनों। तो इस तरीके से आपको देखना होगा कि हम आइदर का यूज़ कहाँ करना है स्टूडेंट, और आप बोथ का यूज़ कहाँ पर करना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टूडेंट आपका लिटिल ए लिटिल एंड द लिटिल। तो हम बात करने वाले हैं ये आपके डिटरमाइन में आते हैं, लेकिन हम क्या एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट इनका हम यूज़ करेंगे कि लिटिल ए लिटिल एंड द लिटिल, तीनों का कंसेप्ट बड़ा सेम होता है, और इसके साथ फ्यू ए फ्यू द फ्यू भी सेम ही होता है, लेकिन इनका कुछ डिफरेंट होता है वो पढ़ते हैं। जैसे लिटिल का यूज़ हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं स्टूडेंट, जहाँ पर हम अगर हम लिटिल कि कोई भी यानी कि लिटिल या द लिटिल या लिटिल का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट आप अनकाउंटेबल के साथ ही आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ बताया गया है कि लिटिल का जो मीन होता है स्टूडेंट नकारात्मक यानी कुछ भी नहीं के सेंस में होता है, जबकि ए लिटिल का अर्थ होता है कुछ यानी समथिंग थोड़ा सा। लेकिन द लिटिल का यूज होता है वो होता है सब कुछ जितना है वो थोड़ा सा, नॉट मच बट ऑल दैट इज, यानी कि जो भी है पूरा नहीं लेकिन उसमें से जो है फिलहाल वो सब कुछ। यह हम बताया गया स्टूडेंट आपका यूज ऑफ लिटिल, अगर हम लिटिल का यूज़ करेंगे तो किस सेंस में करेंगे, नगण्य मीन्स होता है स्टूडेंट कुछ भी नहीं, यानी कुछ नहीं के अर्थ में होगा। जैसे यहाँ बताया गया आपका एग्जाम्पल दिया गया वी हैव लिटिल होप हिज रिकवरी, यानी कि हम क्या स्टूडेंट यहाँ कोई उम्मीद नहीं है, यानी कि यहाँ बताया गया लिटिल का यूज़ किया गया, ये यूज़ किया गया कुछ नहीं के सेंस में, कि वी हैव हम रखते हैं कि होप हमें ये उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा, अगर बोलते हैं हम कुछ उसे उम्मीद है ठीक है, लेकिन यहाँ लिटिल यूज़ किया जाए इसका मतलब मीन्स होगा कि उसके यानी ठीक होने की कोई भी उम्मीद आपकी नहीं है। तो लिटिल क्या यूज़ होता है स्टूडेंट कुछ नहीं के अर्थ में। जैसे यहाँ बताया गया ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि उसे नॉलेज तो है बट क्या है कुछ नहीं नॉलेज है। लिटिल नॉलेज को नॉलेज होती है थोड़ी बहुत, कोई नॉलेज नहीं होती, इसलिए यहाँ ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी उसे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। स्टूडेंट इस तरीके से आप लिटिल का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बताया गया आपका यूज ऑफ ए लिटिल, ए लिटिल मीन्स होता है नॉट मच बट सम, यानी पूरा तो नहीं है ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा बहुत, जैसे कुछ है थोड़ा सा। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, यानी कि यहाँ बात कर रहा है कि जो छोटी सी जो नॉलेज होती है ना, या तो आपको नॉलेज है नहीं तो ठीक है, या फिर ज़्यादा नॉलेज तो ठीक है, लेकिन आपको कुछ थोड़ी सी नॉलेज है तो वो कैसी नॉलेज स्टूडेंट आपकी डेंजरस नॉलेज। तो यहाँ पर आपने ए लिटिल को यूज़ किया है कुछ के यानी सम के यूज में, कि ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज थिंग, ए लिटिल मीन्स होगा स्टूडेंट आपको कुछ नॉलेज है, तो कुछ का सेंस निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने ए लिटिल का यूज़ किया है। तो ए लिटिल आपका कुछ के सेंस में देता है, और आपका ओनली लिटिल आपका कुछ नहीं के सेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे वी हैव ए लिटिल होप ऑफ हिज कंट्री, ए लिटिल मीन्स क्या होगा स्टूडेंट उसके कुछ ठीक होने की आपको हमको कुछ उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने ए लिटिल का यूज़ किया है। नेक्स्ट कंसेप्ट दिया गया आपका स्टूडेंट द लिटिल नॉट मच बट ऑल देयर इज, यानी कि पूरा तो नहीं ज़्यादा नहीं, नॉट मच मीन्स क्या ज़्यादा नहीं, वट मन लेकिन ऑल देयर इज, यानी कि जो जहाँ पर अभी है फिलहाल वो, यानी जो कुछ है थोड़ा सा वो, उसके सेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि यूज़ द लिटिल टाइम यू हैव इन प्रॉपर वे नाउ, से हम द लिटिल का यूज़ किया गया स्टूडेंट, टाइम जो भी आपके पास टाइम है उसको क्या हमें हैव इन ए प्रॉपर वे नाउ, जो भी टाइम है उसको हमें प्रॉपर वे में, यानी कुछ है थोड़ा सा है टाइम तो है बट कैसा है आपका स्टूडेंट थोड़ा सा। जैसे यहाँ बताया गया
ही इज़ वेस्टेड हिज लिटिल मनी ही हैड इन गैम्बलिंग, यानी कि जो कुछ भी उसके पास पैसा था ना, ही वेस्ट हिज मनी, कि द लिटल यूज किया, कि जो कुछ पैसा था, जो कुछ थोड़ा सा था, वो मनी क्या हो गया स्टूडेंट, वो हैड क्या है, वो चला गया किसमें, जुआ खेलने में, यानी कि गैम्बलिंग में। तो स्टूडेंट ये कंसेप्ट था आपका ए लिटिल, द लिटिल और लिटिल के बारे में। अगर आप कोई भी पॉइंट समझने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट आपका फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू। जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि फ्यू और लिटिल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो फ्यू का यूज हम काउंटेबल के लिए यूज करते हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि हम जो आपका लिटिल होता है उसका स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं फॉर अनकाउंटेबल के लिए। अभी इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल दिए थे आपने, उन सब में काउंटिंग के बारे में बोल रहा था, यानी कि जिनको आप काउंट कर सकते हो उसके बारे में बताया गया था। लेकिन यहाँ जो आपका यूज़ किया गया स्टूडेंट आपका फ्यू, ये यूज़ किया जाता है फॉर काउंटेबल के लिए। लिटिल आपका अनकाउंटेबल और आपका फ्यू होता है काउंटेबल। फ्यू का मीन्स होता है स्टूडेंट नकारांत, वही सेम है ना के बराबर। ये फ्यू का मीन्स होता है कुछ, यानी कि सम, नॉट मच। द फ्यू मीन्स होता है जो कुछ थोड़ा सा, यानी कि सेम हो, ऐसे होता है, पर डिफरेंट इतना ही होता है स्टूडेंट कि हम फ्यू का यूज़ करते हैं वो काउंटेबल में यूज़ करते हैं, और अनकाउंटेबल में यूज़ करते हैं आप लिटिल का। जैसे यहाँ बताया गया कि फ्यू मीन्स होता है हार्डली एनी, ना के बराबर, थोड़ा सा, ए बिट। जैसे कि फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी, यानी कुछ ही लोग हैं जो खुश हैं, मतलब ना के बराबर, यानी पूरी तरीके से कुछ नहीं है, केवल क्या है आपके, ना के बराबर खुश हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने क्या किया है कि फ्यू का जो सेंस यूज किया है ना के बराबर में। जैसे फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम एनी डिसीज। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका यहाँ बताया गया स्टूडेंट आपका फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम एनी डिसीज, यानी कुछ ही लोग हैं जो आपके बीमारी से दूर हैं। नेक्स्ट बताया गया स्टूडेंट का फ्यू वुमेन कैन अवॉइड टॉकिंग, यानी कि कुछ ही औरत है जो आपकी, यानी ना के बराबर ही औरतें हैं जो आपका स्टूडेंट टॉकिंग करना बंद कर सकती है, यानी अवॉइड मीन्स क्या होता है, छोड़ना या त्यागना। जैसे फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट, यानी कुछ ही औरतें हैं जो आपकी सीक्रेट्स, यानी जो रहस्यों को अपने साथ रख सकती है। तो स्टूडेंट ये यूज़ करना सिखाया मैंने आपको कि फ्यू का हम किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका ए फ्यू, जैसे आप देखा कि वूमेन यहाँ यूज़ किया गया, मैन पीपल, तो ये स्टूडेंट आपके काउंटेबल नाम की तरह आपके यूज़ किया गया इनका यहाँ पर। नेक्स्ट आपका ए फ्यू मीन्स होता है थोड़ा, यानी नॉट मैनी, यानी बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सम। यहाँ बताया ए फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, यानी यहाँ बात की जा रही है कि इंग्लिश करेक्ट कौन लिख सकता है, कुछ ही लोग हैं जो आपकी इंग्लिश को यहाँ पर राइट कर सकते हैं, रिटन कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट आपका ही आस्क मी ए फ्यू क्वेश्चन, उसने मेरे से क्या क्वेश्चन पुट अप किए, लेकिन कितने, कुछ ही क्वेश्चन पुट किए, ये नहीं उसने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, नहीं किए ना, तो उसने मुझसे क्या है कुछ ही, यानी कि नॉट मैनी, बहुत कम मुझसे क्वेश्चन पुट अप किए। ही डाइड ओनली ए फ्यू मंथ्स अगो, यानी उसकी जो मंथ, यानी उसकी जो मौत है वो मर जाएगा यहाँ पर, ए फ्यू अगो, और समय पहले, यानी कि एक महीने पहले मर चुका है। तो ही डाइड ओनली, कि यहाँ उम्मीद की गई है बस, कि ना के बराबर थोड़े से। यहाँ बताया ए फ्यू स्टूडेंट सिक्योर्ड मोर देन, सॉरी स्कोर मोर देन 19 इन इंग्लिश। तो यहाँ कुछ ही स्टूडेंट हैं जिनके बारे में बताया गया जिन्होंने आपका 90 को क्रॉस किया स्टूडेंट। एंड आज की वीडियो का लास्ट रूल है आपका स्टूडेंट द फ्यू, जो भी है थोड़ा सा। तो स्टूडेंट आपकी मैंने एडजेक्टिव को ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, और ये आपकी सेकंड पार्ट है वीडियो का, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। समझ में ना आए कोई टॉपिक तो आप मुझसे भेजिए कमेंट सेशन में, आप पूछ सकते हो अपनी कोई भी आपको प्रॉब्लम है या आपका सजेशन आप मुझे दे सकते हो। तो बढ़ते हैं, द फ्यू जो भी है स्टूडेंट वो थोड़ा सा जो है सब, यानी कि द फ्यू बुक्स ही हैड वर टेकन बाई द थीफ, यानी कि उसके पास जो कुछ किताबें थी पूरी तरह से नहीं, यानी कि जो भी थी वो क्या है किताब है वो चोर ले गया। इसलिए द फ्यू मेम्बर ऑफ द कमेटी ऑल टुक पार्ट इन द डेमोलिशन। तो यहाँ इसमें बताया कि जो भी कमेटी के मतलब मेंबर थे या सेशन थे वो सब आपके
पर यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने देखा कि हमने लिटिल और फ्यू के बारे में कैसे यूज़ करना, उनका हमने यूज़ करना सीखा, आइदर नाइदर इच एवरी वो था इधर का हमने इस तरीके से यूज़ किया है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करें, फुल लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।